हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था पिछले वीडियोस में कि मैं आपके लिए राज्य व्यवस्था का एक सीरीज लेके आने वाला हूं और पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि राज्य व्यवस्था कितनी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी या हुआ या यूपीपीसीएस हुआ या भी किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि राज्य व्यवस्था से हमें प्रशासन को कैसे चलाना है, किस प्रकार से प्रशासन कार्य करता है, उनके बारे में हमें जानकारी होती है और साथ साथ हमें संविधान के बारे में भी जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या हमने जो संविधान बनाया, जो हमारा संविधान था, वो किस आधार पे बना, उस आधार को हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि हमसे पहले जो 200 वर्षों तक शासन किया अंग्रेज सरकार ने, उनकी नीतियों का कहीं ना कहीं हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा, जो भी हमारे संविधान के अनुच्छेद हैं उनमें ब्रिटिश नीतियों का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है उसमें, ठीक है। इसलिए पहले हम क्या करेंगे कि ये संविधान बनाने का जो कार्य चला वो कैसे चला और इनकी जो आधार इकाइयां थी उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन चलने वाला है दोस्तों, वो है पृष्ठभूमि के बारे में, ठीक है, कि हमारा जो संविधान निर्मित हुआ उसका एक पृष्ठभूमि क्या रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बस मैं उनकी नीतियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हिस्ट्री का सेशन आपका चल रहा है मॉर्निंग हिस्ट्री का, एक दिन हिस्ट्री और एक दिन राज्य व्यवस्था आएगा, ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, 1600 ईस्वी में क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स जो होते हैं भारत के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है ना। और एंटर करने के बाद होता ये है कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो धीरे 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 राज्यों पे कब्जा करते जाते हैं, ठीक है ना। और एक समय ऐसा आता है कि जब प्लासी की लड़ाई होती है 1757 की ईस्वी में, 1764 की ईस्वी में क्या होता है कि बंगाल, उड़ीसा और आपका बिहार, ये सब का क्या होता है, राजस्व इनके हाथ में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी का प्रभुत्व जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। कंपनी का प्रभुत्व बढ़ता है और कंपनी का प्रभुत्व बढ़ते बढ़ते जो है लगभग आपका 1857 तक कंपनी का एकदम शासन इस पे रहता है, ठीक है। लेकिन 1857 की जो विद्रोह होते हैं, उस विद्रोह के बाद से अब जो पूरे कंपनी का जो सत्ता है वो डायरेक्ट कौन ले लेता है अपने हाथों में, तो ब्रिटिश सरकार ले लेती है, ठीक है ना। तो क्या ब्रिटिश सरकार पहली बार 1857 में हमारे यहाँ हस्तक्षेप की क्या हमारे भारत में? ऐसा नहीं था, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये 1600 में जब कंपनी आती है तो जो कंपनी का शासन था, दो भागों में इसको पार्ट करेंगे, ठीक है ना, एक कंपनी का शासन, ठीक है ना, कंपनी का शासन और दूसरा यहाँ पे है ताज का शासन, ठीक है ना। ताज का मतलब कि उस समय ब्रिटिश संसद का कह सकते हैं, ठीक है ना, ताज का शासन, ठीक है, ब्रिटिश संसद का भी बोल सकते हैं आप। देखिए, कंपनी का जो शासन था वो लगभग आपको मानते हैं कि 1773 से लेकर के ये 1857 तक था, ठीक है ना। लेकिन यहां से 1858 से लेके 1947 जब तक आजादी हमें नहीं मिल गई तब तक क्या हुआ, ताज का शासन था, ठीक है ना। लेकिन जरा एक बात बताइए, कंपनी के शासन में भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का हाथ था, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का हाथ था। क्यों? क्योंकि जो भी आपको रेगुलेटिंग एक्ट मिलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट मिलते हैं, चार्टर्ड एक्ट मिलते हैं, ये कौन बनाया, कोई कंपनी थोड़ी बनाती है, कंपनी ने ये सब नहीं बनाया, बल्कि ये ब्रिटिश संसद ने इनको बनाया। आखिर ब्रिटिश संसद को क्या जरूरी था कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये सारे नियम उन्होंने बनाए, ठीक है। जरा एक बात बताइएगा, अगर कोई भी कंपनी जो एक भारतीय भारत में आकर के वो पूरे भारत पे कब्जा कर ले रही है, ठीक है ना, और उस समय भारत के आगे ब्रिटिश साहब देख ही रहे कितना छोटा है, ठीक है। जब कंपनी जो है पूरे भारत पे कब्जा कर ले रही है तो क्या वो अपना प्रभुत्व जो है इंग्लैंड पे नहीं जमा सकती है क्या? तो इनके प्रभुत्व को रोकने के लिए, देखिए, कभी भी कोई कंपनी अगर ताकतवर हो जाएगी वो राज्य के संप्रभुता के लिए खतरा बन जाता है, इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए। यानी कि बिना नियम का अगर कंपनी चल रही है तो वो राज्य के संप्रभुता के लिए कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर सकती है। और यही जो है ब्रिटिश संसद को समझ में आया और उसने क्या किया कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए उसने पहला एक्ट बनाया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। और रेगुलेटिंग एक्ट बना क्यों, इसलिए बना, ठीक है ना। और पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक जो इकाइयों के संबंध में ये जो कानून बना था ये क्या था, ब्रिटिश कंपनी को, जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया ये कानून था। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो देखिए क्या है, इसमें प्रावधान क्या थे, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना उसमें प्रावधान दोस्तों क्या था, जरा देखते हैं हम यहाँ पे।
इसमें प्रावधान था कि पहला चीज कि पहले बंगाल में क्या था, गवर्नर हुआ करता था, ठीक है ना, पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब उसको क्या कहा गया कि भैया अब तुम गवर्नर नहीं रहोगे, अब तुम बंगाल के गवर्नर जनरल रहोगे। जीजी का मतलब हुआ दोस्तों गवर्नर जनरल। और उसके साथ क्या हुआ कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का वहां पे गठन कर दिया गया, ठीक है ना। क्यों गठन किया गया देखिए जरा, गवर्नर जनरल जब बना, ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग था पहला गवर्नर जनरल, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा हूं कि आप भी जब नोट्स बनाइएगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, इससे क्या होगा आपका नोट्स जो है बहुत कंसाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताइए कि पूरा लंबा नोट्स बनाएंगे तो उसको रिवीजन करने में भी आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं कहता हूं शॉर्ट फॉर्म में आप नोट बनाइएगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसकी सहायता के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो अकेला रहता, और उसकी सहायता के लिए क्या हुआ, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की यहाँ पे स्थापना कर दी गई, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्यकारी परिषद, ठीक है। अब देखिए काउंसिल भी आप बोल सकते हैं। दूसरा प्रावधान क्या था कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों को, ठीक है ना, मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। देखिएगा यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, जहां इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट से क्या हुआ कि केंद्रीकरण की शुरुआत कर दी उन्होंने, यानी कि सारी सत्ता जो है केंद्र के हाथों में चली जाना, ठीक है, एक जगह चली जाना, ठीक है, सारी शक्तियां एक जगह अगर इकट्ठा हो जाती है तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण, ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो है केंद्रीकरण के लिए भी जाने जाती है, यानी यहां से क्या होता है, सारी जो सत्ता है, सारा जो प्रशासन है वो केंद्र में चली जाती है, मतलब केंद्र का मतलब ये हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना। ये यहां से आपको दूसरा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। तीसरा नियम क्या था कि 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, अभी आपका उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। तो उस समय जब अंग्रेजों ने 1774 में क्या किया था, मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट के एक साल बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, कहां पे की, तो कोलकाता के अंदर की, ठीक है ना, कोलकाता के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। चलिए ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब क्या है कि कर्मचारियों पर निजी व्यापार और रिश्वत लेना, यानी कि जो कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको जो है निजी व्यापार के लिए क्या कर दिया, मनाही हो गई, ठीक है ना, आप निजी व्यापार नहीं, जो भी कंपनी का कर्मचारी है वो निजी व्यापार नहीं करेगा और किसी भारतीय से वो रिश्वत या उपहार नहीं लेगा, ठीक है, ये चीजें जो है इसमें क्लियर कर दी गई। दूसरा चीज क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब आप सोच रहे होंगे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है क्या चीज, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति होती है किस लिए होती है, तो ब्रिटिश कंपनी के पूरे मामले को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है, ठीक है, कि राजस्व मामले, सैन्य मामले, नागरिक मामलों को क्या करता है, ये ब्रिटिश संसद को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है सारी जानकारियां, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पे स्थापना की गई। ये मुख्य 5 प्रावधान थे आपके, ठीक है। पहला कौन सा था, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की गई, ठीक है। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को क्या कर दिया गया, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। केंद्रीकरण की शुरुआत यहां से होती है। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है और कर्मचारियों पर निजी व्यापार और क्या है कि रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यहां पे नियुक्ति होती है, इसलिए क्योंकि वो ब्रिटिश मामलों पर नियंत्रण रख सके, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें जो है ना, ये सारी जब नीतियां बन गई कंपनी के ऊपर, जो ये नियंत्रण लागू किए गए, उसके बाद से ना कुछ खामियां इसमें देखी गई, ठीक है ना, और कुछ खामियां देखी गई जिससे कि क्या हुआ, उन खामियों को दूर करने के लिए, क्योंकि जो भी एक्ट आप बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती हैं, तो बाद में उसको संशोधित किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ खामियां थी, जिससे क्या हुआ 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। और ये संशोधन अधिनियम जो था दोस्तों, वो था आपका 1773 के प्रावधानों में संशोधन करना, ठीक है ना। यानी कि जरा देखते हैं कि 1781 में क्या क्या संशोधन किए गए इस 73 के एक्ट में, जरा देखिएगा कि इसमें जो संशोधन किया गया ना, कि गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल प्लस कंपनी के सेवक, यानी कि गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद जो था, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो उसकी सहायता के लिए था, और कंपनी के जो भी सेवक थे उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, ठीक है ना।
जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय था उसके क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया दोस्तों, बाहर कर दिया गया। मैं भी कहता हूं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, अपना जो भी नोट बनाइएगा शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आप समझ सके और उसको डिफाइन कर सके, ठीक है, जल्दी से रिकॉल हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, दूसरा संशोधन ये हुआ कि राजस्व मामले प्लस वसूली, ठीक है ना, यानी कि राजस्व के जो मामले हैं और राजस्व के जो वसूली है वो भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा। क्यों बाहर रहेगा, क्योंकि बार बार क्या था, कंपनी अपने फायदे के लिए काम करती थी, यहाँ पे अगर कोई राजस्व में दिक्कत आती थी तो लोग जाकर के सीधे अपील कर देते थे सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए क्या था कि कंपनी को वहां पे घाटा हो जाता था, इसलिए कंपनी ने कहा भैया जो भी राजस्व के मामले हैं ये और वसूली के जो मामले हैं ये क्षेत्राधिकार से दूर रहेंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि जो कोलकाता के निवासी है ना, इनको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत लिया गया, ठीक है ना, मतलब कि देखिएगा यहाँ पे कंपनी के जितने पद हैं उनको तो हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से, वसूली इनकी जो राजस्व की प्रक्रिया थी उसको भी हटा दिया गया, लेकिन वहां की जनता को जो है, वहां के जो नागरिक थे उनको जो है इस सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। और जो हिंदू थे उनको हिंदू कानूनों के तहत क्या होती थी, उनको निपटारा किया जाता था, जो मुस्लिम थे उनको जो है मुस्लिम कानूनों के द्वारा उनके मामलों का निपटारा किया जाता था, ठीक है ना, ये बातें यहाँ पे चल रही हैं। अब देखिए क्या है, अब चौथा इसमें क्या संशोधन हुआ कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वो गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल के पास सुनी जाएगी, ठीक है ना, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास, न कि उच्चतम न्यायालय के पास, ठीक है। यानी कि जो भी प्रांतीय न्यायालय है, मैंने आपको बताया ना कि केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, मतलब सारी सत्ता जो है एक जगह जाकर के केंद्रित हो गई थी, ठीक है ना, सारा प्रशासन एक जगह केंद्रित हो गया था, इसलिए क्या है कि देखिएगा जो प्रांतीय न्यायालय थे ना उनका अपील कि अभी क्या है ना, आपका जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, आज का जो उच्चतम न्यायालय है उसका हम क्या करते हैं, जो भी अपील है हम सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट को डालते हैं। लेकिन उस समय क्या था, उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जो भी प्रांतीय न्यायालय थे उनके अपील को जाकर के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दायर करनी होती थी, ठीक है ना। चलिए अब पांचवा संशोधन ये हुआ कि प्रांतीय न्यायालयों प्लस काउंसिल नियम बनाते थे, ठीक है ना, प्रांतीय न्यायालयों पे और काउंसिल पे, ठीक है ना, जो प्रांतीय न्यायालयों के काउंसिल थे यानी परिषद थे और प्रांतीय न्यायालयों के जो प्रांत में जो न्यायालय थे उनपे नियम विनियम बनाने का कार्य कौन करता था, तो वो गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल का काम था, ठीक है ना। गवर्नर जनरल और काउंसिल क्या करते थे, तो नियम बनाते थे प्रांतीय न्यायालयों पर और उनके काउंसिल्स पे, ठीक है ना। तो आपको बात ये याद रखनी है, पांच संशोधन यहाँ पे किसमें किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर किया गया। अब बात करते हैं, जरा आगे चलते हैं, ठीक है, चूंकि क्या है ना इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं इसको, जरा आप याद रखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि 1781 के संशोधन नियम को ही क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नोट करके चलिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब चलते हैं अगला, आपका क्या होता है, अगला नियम बनता है इसमें एक और एक्ट जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि जैसे जैसे प्रशासन आगे बढ़ता जाता है कि अब ब्रिटिश संसद धीरे धीरे कंपनी पे लगाम बढ़ाना स्टार्ट करती चली जाती है, ठीक है ना। तो अब क्या है, अभी तक तो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा मोड़ा नियंत्रित कर रही थी, लेकिन आगे चलने के बाद क्या हो रही ना कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के ऊपर, वो क्या था कि कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, ठीक है ना। मतलब कंपनी जो है भारत में जाके जो राजनीतिक कार्य कर रही है और वहां पे जो व्यापार कर रही है, इन दोनों मामलों को जब तक अलग नहीं किया जाएगा तब तक दिक्कत आएगी, ठीक है। और दिक्कत किसको आनी थी, कंपनी को दिक्कत नहीं आनी थी बल्कि ब्रिटिश संसद को दिक्कत आनी थी, क्योंकि अगर कंपनी की धाक बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संप्रभुता इससे प्रभावित होगी, इसलिए कंपनी को क्या करना था, नियंत्रित करना जरूरी था, इसलिए उनके कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, ठीक है ना। तो जो व्यापारिक कार्य थे, ठीक है ना, यानी कि जो व्यापारिक कार्य थे, जो वाणिज्यिक कार्य थे, वो निदेशक मंडल, क्योंकि देखिए कंपनी का एक निदेशक मंडल था जो कंपनी को रेगुलेट करता था, ठीक है ना, इसलिए क्या था कि जो भी व्यापारिक कार्य थे, जो भी वाणिज्यिक कार्य थे, वो कंपनी के निदेशक मंडल को दे दिए गए कि भैया तुम व्यापारिक कार्य संभालो, तुम्हारा कार्य व्यापारिक कार्य, ठीक है ना। और राजनीतिक कार्यों के लिए अब ब्रिटिश संसद जो है ना, अब यहाँ पे एंटर कर दी है और अपना जो है एक बोर्ड बना देती है, ठीक है, एक बोर्ड का गठन कर देती है जिसका नाम है नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती क्या थी कि राजनीतिक मामलों को वो देखती थी, ठीक है ना, यानी कि जो पहले कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक मामले देखती थी उनको अलग अलग कर दिया गया और कंपनी से कहा गया भैया तुम अपना व्यापार संभालो और हमारा यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो राजनीतिक मामलों को संभालेगा, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता है, राजनीतिक मामलों को संभाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात अब आती है तीसरी, अब क्या होता है कि नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना, यानी जो बोर्ड ऑफ
कंट्रोल है ना बच्चा, वो नियंत्रित कर सकता, उसको नियंत्रण की शक्ति थी, उसको नियम बनाने की शक्ति थी, किस पे? सभी नागरिकों पे, सैन्य सरकारों पे और राजस्व पे नियंत्रण किसका था? सीधे सीधे किसका था? तो नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। यानी ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ राजनीतिक मामले ही देखेगी, वो राजस्व मामले भी देख सकती है, क्योंकि राजनीति के तहत ही क्या होंगे, नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले, ये तीनों आ जाएंगे, तो इन तीनों को भी वो देख सकती थी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या था, कंपनी के रूप में ये पहली बार क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से शासन चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। और नोट करिएगा एक चीज कि पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया इसको। क्यों ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? क्योंकि अब कंपनी को उसके व्यापार तक ही सीमित रखा गया, कंपनी को उसके व्यापार तक ही सीमित रखा गया, लेकिन भारत की राजनीति में एंटर हो जाता है किसका, तो सीधे सीधे अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का एंटर हो जाता था। और किसके द्वारा शासन चलाती है कंपनी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा राजनीतिक मामलों पे हस्तक्षेप रखती है, ठीक है ना। अब बात आती है 1786 का अधिनियम, ठीक है ना। और 1786 का अधिनियम क्या था, ठीक है, 1786 का जो अधिनियम ये था कि उस समय 1786 में ना भारत का गवर्नर जनरल था वो कार्नवालिस बन के आया था, ठीक है ना। कार्नवालिस जो था ये गवर्नर जनरल बन के आया था, कार्नवालिस, ठीक है। तो ये चाहता क्या था, ये गवर्नर जनरल बनने के लिए दो शर्तें इसने रख दिया था, ठीक है। एक शर्त ये रखा था कि भैया मैं अपने काउंसिल के निर्णयों को नहीं मानूंगा, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा, ठीक है ना। मतलब जो उसके लिए देखे क्या है ना कि पहले में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की गई थी और गवर्नर जनरल जो है कार्यकारी परिषद की सलाहों को मानना इस पे क्या था, बाध्य था। लेकिन ये आया तो कहा भैया मैं तो नहीं मानूंगा इनके निर्णयों को, ठीक है ना, ये चीज में अगर आप हमें कर देंगे, इसकी छूट अगर दे देंगे तब मैं जो है बनूंगा। और दूसरा इसका मांग था कि भैया कमांडर इन चीफ का जो पद है वो भी मुझे दिया जाए, ठीक है ना। यानी कि जब कार्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बन के आया तो उसकी दो मांगे थी कि मैं काउंसिल के निर्णयों को नहीं मानूंगा और कमांडर इन चीफ का जो पद है वो मुझे मिलना चाहिए, तब जाकर के मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे गवर्नर बनूंगा। ये नियम जो है, इस अधिनियम से ये दो नियम इसके लिए बनाए गए लॉर्ड कार्नवालिस के लिए, और आगे भी गवर्नर जनरलों के लिए इसको लागू किया गया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि हम अभी कहां पढ़ रहे हैं, हम अभी इसके अंतर्गत पढ़ यानी कंपनी का शासन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 57 तक। और इस 57 के पहले तीन चार्टर्ड एक्ट भी अभी बने हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि वीडियो छोटा हो, आपको बोरिंग ना हो, आप पूरा वीडियो देखें और अच्छे से एक एक चीज देख करके नोट करते चले, आप पहले इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगले वीडियो में क्या करेंगे कि कंपनी के शासन के अंतर्गत जो है ब्रिटिश संसद ने तीन चार्टर्ड एक्ट जो बनाए थे उनके बारे में कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।